केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में दुर्ग में भी कांग्रेसियों ने किया सत्याग्रह आंदोलन। अग्निपथ के विरुद्ध सत्याग्रह में केंद्र के खिलाफ जमकर बरसे शहर विधायक। दुर्ग शहरी विधानसभा के अंतर्गत केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन हिंदी भवन के सामने रखा गया था। जिला कांग्रेस कमेटी के इस आयोजन के प्रभारी एवं वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक अरुण वोरा केंद्र की नीतियों पर जमकर बरसते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अग्निपथ योजना के बहाने सेना का राजनीतिकरण करना चाहती है। देश की कड़ी मेहनत से अर्जित धरोहरों एवं शासकीय संपत्ति पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बेचने के साथ ही आज भाजपा सरकार देश की अस्मिता को भी बेचने चली है। अग्निवीर योजना के 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिक भर्ती कर ये न सिर्फ देश के युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। गौरतलब है कि वोरा ने कहा कि जवानों को लड़कपन में ही रिटायर करके बेरोजगार करने के लिए बनाई गई इस योजना को भी आखिरकार काले कृषि कानून की तरह वापस लेना होगा। उन्होंने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सलाह मानने की नसीहत देते हुए कहा कि नोटबंदी हो, रातों रात लागू की गई GST हो, कोरोना महामारी का दौर हो या फिर अचानक लगाया गया लॉकडाउन, हर बार हमारे नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी किंतु केंद्र सरकार ने विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को अनसुना कर दिया। वोरा ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी एवं अग्निपथ योजना के वापस लिए जाने तक चरणबद्ध आंदोलन लगातार जारी रहेगा। देश के युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर सत्याग्रह किया जाएगा। इस अवसर पर सत्याग्रह आंदोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद की। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल व सभापति राजेश यादव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। केंद्र सरकार के प्रति पूरे देश में युवाओं के मन में जबरदस्त आक्रोश है। आक्रोश का कारण ये है कि चुनाव में सत्ता में आने से पहले मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आज 8 साल हो गए, 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था लेकिन 16 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिला। इस तरीके से इन्होंने युवाओं का उपयोग केवल चुनाव में किया, उनके साथ धोखा किया, उनके साथ छल किया। अभी भी छल करने में मोदी सरकार बाज नहीं आ रही है। उन्होंने इस बात को अभी कहा है कि हम सेना में 4 साल के लिए नौजवानों की भर्ती करेंगे। ऐसा कहकर अग्निवीर योजना लाकर उन्होंने देश की सेना को राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है। मोदी सरकार इन 8 वर्षों में कांग्रेस शासन ने जो संपत्तियां बनाई थी, देश की विरासत बनाई थी, उनको बेचने का काम किया है। आज स्थिति ये आ गई है कि वो देश की अस्मिता को बेचने के लिए आमदा हो गई है। ऐसी सरकार के खिलाफ हमारे देश के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा है कि हम युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और कांग्रेस पार्टी युवाओं के हर कदम में उनके साथ खड़ी है। युवाओं के साथ न्याय होगा और इस बात को आप मानकर चलिए 2024 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, वे देश के युवाओं को जो सपना राजीव गांधी ने समझाया था, जो सोनिया गांधी जी ने जो कह रही हैं, जो इंदिरा गांधी ने कहा करती थी, उस सपने को साकार राहुल गांधी के नेतृत्व में किया। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश में हमारे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन आदि में माननीय विधायक के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं और सभी जान रहे हैं, पूरा देश अभी जल रहा है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज युवा आक्रोशित है, ना आज उनके भविष्य की सुरक्षा है, ना कोई रैंक है, ना कोई पेंशन है, सिर्फ युवाओं के जीवन में टेंशन ही टेंशन है। इस योजना से युवाओं का भविष्य भटकाव की स्थिति में है। आज सेना में भर्ती को लेकर जो अग्निवीर योजना आई है, ये बहुत ही मतलब युवाओं को भटकाव की स्थिति में लाने वाली योजना है। पिछले 2 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है, आज अचानक से ये योजना लाई गई जिसमें सिर्फ 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती ली जा रही है और 4 साल बाद युवा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? अपने जीवन के जो मेन पीरियड है युवा काल, 22-23 साल की उम्र में जब वो बेरोजगार हो जाएगा कहाँ जाएगा? मैं सभी युवाओं के भविष्य के बारे में आज कांग्रेस पार्टी सोचती है और जब जब गलत होने की कोशिश हुई है कांग्रेस इसका पूर्ण जोर विरोध की है। जिस प्रकार से कृषि आंदोलन वापस लिया गया है उसी प्रकार से अग्निपथ योजना भी केंद्र को वापस लेना पड़ेगी।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज दुर्ग में दुर्ग विधानसभा स्तरीय धरना सत्याग्रह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार ने जो अराजकतापूर्ण निर्णय लिया है, अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीर भर्ती करेंगे और 4 साल में युवाओं को रिटायर करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, इन सब बातों का विरोध हम लोग कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि ये कानून वापस नहीं हो जाता। युवाओं के साथ ये भद्दा मजाक कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में यह सत्याग्रह आंदोलन हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में सारे विधायकों के और प्रभारी के माध्यम से यह सत्याग्रह आंदोलन हो रहा है, जिसके माध्यम से हम मोदी सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि यह काला कानून जैसे कृषि कानून वापस लिया गया, उसी तरह से यह युवाओं के साथ जो खिलवाड़ करने का कानून है वह वापस लिया जाए। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया यह सत्याग्रह केंद्र सरकार की नीतियों पर कितना असर डालता है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।